संसद में आज मॉनसून सत्र की सातवें दिन भी वही होने के आसार हैं जो पिछले छह दिनों से हो रहा था, यानी कि हंगामा, बवाल और संसद की कार्यवाही पर आज एक बार फिर क्या असर दिखाई देगा। संभावना तो कुछ ऐसे ही नजर आती है क्योंकि कांग्रेस ने आज फिर संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है और मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की है, प्रधानमंत्री के बयान की डिमांड भी की है। संसद में मानसून सत्र के छह दिन बीत चुके हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जब मणिपुर मामले में हंगामा ना मचा हो। विपक्ष संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है, चर्चा की मांग कर रहा है। सीधे आपको संसदीय कार्यवाही में ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-1 श्री एम आरिफ जी। सर, मणिपुर इस बैठक जी, मेरा आपसे आग्रह है। जी, उत्तर सभा पटल पे रखा हुआ है। आप प्रश्नकाल को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं? पहले सदन तो चल, उसके बाद प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है, मैंने सब दलों की बैठक में भी कहा है और फिर आग्रह करता हूं, अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए, उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। आप नियम कानून से सदन चलता है। हमारा भी कुछ तो मांग होते हैं सर। सर, मैं एक छोटी सी बात करते सर। 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों ऐसा देर हो रहा है सर? सर, ये आपने आप व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते सर? सर सर, नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे, हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल निरस्त करने दो, सब ऑटोमेटिकली सब झंझट ही खत्म है। कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। स्पीकर ने बार बार पूछा, क्या विपक्ष संसद नहीं चलाना चाहता, प्रश्नकाल नहीं चाहता? और इसी के दौरान लगातार हंगामा हुआ और इस हंगामे के भेद सदन की कार्यवाही चल गई और दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। अधीर रंजन चौधरी लगातार इस दौरान कार्यस्थगन प्रस्ताव देते रहे, मणिपुर हिंसा पर सरकार से जवाब की मांग करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग पर इस वक्त विपक्ष अड़ा हुआ है और एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ साथ 12 बजे तक के लिए स्थगित। और अब राज्यसभा की कार्यवाही में आपको लिए चलते हैं। सो आई टेक रिकोर्स टू रिटन ग्रीटिंग्स, पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री राव साहेब दादा राव दानवे। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूं। श्रीमती सर नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे, हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल निरस्त करने दो, सब ऑटोमेटिकली सब झंझट ही खत्म है। कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। कल ब्लैक डे मनाया गया विपक्ष की ओर से और आज एक बार फिर से कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया गया। लोकसभा स्पीकर की ओर से बार बार कहा गया कि आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते हैं, कि आप चर्चा नहीं चाहते हैं और इसी के बीच में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।